हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन एक्सेल पहले स्कूल में, थोड़ा बहुत कॉलेज में, थोड़ा बहुत किया है? ठीक है, सो मेजरली आई थिंक वी हैव, यस ओके, सो मेजरली आई थिंक ऑल द CM1 स्टूडेंट्स आर देयर, है ना? CM2 के आई डोंट थिंक ज्यादा होंगे. सो टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेसिक एक्सेल, कुछ बेसिक फंक्शंस सीखेंगे. नाउ इन CM1 यू डोंट नीड हार्ड कोर एक्सेल, एज इन जो फॉर्मूलाज आप यूज करोगे विल बी वेरी बेसिक. वॉट एवर यू नीड टू डू इज इन योर थ्योरी. सो वॉट एवर यू आर डूइंग इन थ्योरी, यू आर जस्ट अप्लाइंग दैट इन एक्सेल, राइट? सो द फंक्शन दैट वी आर डूइंग विल बी वेरी बेसिक, वन और टू डिफिकल्ट फंक्शन, अदरवाइज द फंक्शन विल बी वेरी बेसिक. ठीक है, उसके अलावा जो एप्लीकेशन है CM1 का एक्सेल में, वो थोड़ा डिफिकल्ट है. सो इफ आई कंपेयर ऑल द पेपर बी, फोर पेपर बी विच आर देयर, CM1 इज स्लाइटली डिफिकल्ट. इवन अगर मैं CS2 से कंपेयर करूँ कभी कभी, क्यों? क्योंकि आपके इसमें कैलकुलेशन जो होते हैं, यू हैव टू मेक रियली बिग टेबल्स. आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है थ्योरी में. आप लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल करोगे, आप लोग जब CT कंटेंजेंसीज वाले पोर्शंस करोगे, सो यू विल मेक बिग बिग टेबल्स, मतलब बहुत बड़े कैलकुलेशंस होते हैं इन CM1. सो यूजली इन एग्जाम यू गेट आइदर 2 questions और 3 questions. 100 marks का पेपर है, 2 question आएगा तो कैसा आएगा? एक 50-50 का समझ लो, या 45-55 समझ लो, या आजकल वो 3 to 4 questions भी दे रहे हैं. जो भी है, द वेटेज विल बी सो मच, मतलब एक क्वेश्चन आपका 35 marks, 40 marks का रहेगा, मिनिमम 25 का हो सकता है, बट वो उस केस में जो आपके 4 questions आ रहे हो. ठीक है, तो ये डिमार्केशन रहता है. अनदर थिंग इज टाइम कंस्ट्रेंट. इन CM1 यू जस्ट गेट पेपर बी में 1 hour 50 minutes, 50, और 1 hour 45 minutes इन आई है. ठीक है, वेरी वेरी लेस टाइम कंपेयर टू पेपर ए ऑब्वियसली. एंड यहाँ पे आपको पूरा 100 marks का ही पेपर अटेम्प्ट करना है. सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेसिंग दैट टाइम कॉन्स्ट्रेंट इन एग्जाम, जब उनका पूरा पेपर खत्म नहीं होता टाइम पे. अब क्यों नहीं खत्म होता? दे आर स्टूडेंट्स आर फिनिशिंग इट, देर आर स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 90 ऑल्सो इन पेपर बी. देन अगेन देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू फिनिश द एंटायर पेपर ऑन टाइम, नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स. देर आर 2 types ऑफ स्टूडेंट्स. वन हु आर फास्ट, जो शुरू से ही एक्सेल में फास्ट है, लैपटॉप में उनका अच्छा खासा हाथ चलता है, तो वो उनको कुछ बस वो उन्होंने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, 2-3 बार इट्स डन. देन देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर स्लो, बट देन दे आर सो मच प्रैक्टिसिंग, इतना डेली ऑन अ डेली बेसिस वो प्रैक्टिस करें कि वो अपना स्पीड इंप्रूव कर लेते हैं. देन वी हैव स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस नहीं करते पेपर भी, उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि ठीक है चलो पहले दो दो 3 महीने हमने पेपर ए पढ़ लिया, वंस द पेपर ए सिलेबस इज डन, देन आराम से वील मूव टू पेपर बी. ठीक है, दीज आर द स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद पेपर बी. पेपर ए में आप कितना भी हाथ पैर मार लो, बहुत मुश्किल है 100 marks अटेम्प्ट करना. पूरा वर्ड बेस्ड एग्जामिनेशन है, सो पूरा 100 अटेम्प्ट करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग इन पेपर ए. पेपर बी इज वॉट आइडियली सेव्स यू, राइट? बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग पेपर बी फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ, एंड मे बी आपने डिले कर दिया, चलो बाद में करेंगे 2 महीने बाद, वॉट विल हैपन? अभी जो आप पेपर ए का टॉपिक पढ़ रहे हो, आफ्टर 2 months यू विल अप्लाई इट ऑन एक्सेल, यू विल फॉरगेट द टॉपिक, रिवाइज करके फिर अप्लाई करना पड़ेगा. साथ साथ में चलोगे पेपर ए एंड पेपर बी, साथ साथ में रखोगे तो क्या होगा? पेपर ए यू आर स्टडिंग द थ्योरी पोर्शन, पेपर बी यू आर अप्लाइंग. ठीक है, तो थ्योरी पढ़ा, थ्योरी में क्वेश्चन करें, सम्स कर लिए, नाउ यू आर अप्लाइंग इट. नाउ वेन यू आर अप्लाइंग इट इन योर एक्सेल, तो आपका वो और क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको थ्योरी में भी लिख के कर लिया, एक्सेल में बिकॉज यू एक्चुअली सी एंड फील ईच क्वेश्चन. आपका जो वो फील आता है ना कॉन्सेप्ट का, वो आपको एक्सेल में ही आएगा, वो फील आपको पेपर ए में नहीं आएगा उतने जल्दी, क्योंकि आप यहाँ फील कर सकोगे, आप देख सकोगे सारे कैलकुलेशन का ब्रेकडाउन आप देख सकोगे, तो वो फील आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगा. सो दैट अगेन नीड्स टू बी डन साइमल्टेनियसली. And those of you are appearing CM1 as your first exam, not to scare you, but paper B is difficult. अगर मैं कंपेयर करूँ चारों चारों पेपर बी को, सबसे नीचे आते हैं CS1, सबसे ऊपर आते हैं CM1. CS2 को भी नहीं लूंगी मैं ऊपर, क्योंकि CS2 अगर कोई पढ़ रहा है बच्चा, उसने CS1 या CM
वन दे रखा है, तो उसका वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आर प्रोग्रामिंग कंसिडरेबली ईजी है एक्सेल से. समझ रहे हो, 10-10 मार्क का, 15 मार्क का एक एक पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, वो नहीं कर पाओगे आगे कैसे बढ़ोगे. तो एक्सेल को लाइटली जिसने ले लिया उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा फॉर श्योर. चाहे कोई स्टूडेंट, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक देख लो जिसका अभी आया था रैंक 1, हमने उसके साथ एक इंटरव्यू कराया था, आप उनका इंटरव्यू देखना, तो उन्होंने भी एक चीज बोला कि मैंने एक्सेल को थोड़ा लाइटली लिया था. ऑल्दो ही इज ऑल इंडिया रैंक 1, स्टिल ही इज सेइंग स्टूडेंट हु इज नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, स्टूडेंट हु इज क्लियरिंग एन एग्जाम, बोथ विल से यू वन थिंग, पेपर बी पे थोड़ा फोकस कर लेना. गॉट इट? ऑल्दो उसका 30% ही वेटेज है, बट दैट 30% कैन आइडियली सेव यू and you can clear your exam. And practicing is very important in Excel. All right. So let's come back to basic Excel. 2-3 classes. ऐसे तो देखो 10 classes, कितने भी classes हम ले सकते हैं, but आपके लिए जितना necessary है Excel में हम उतना पढ़ेंगे. So this is how your Excel screen will look like. Mine, I am using Office 365. You might have Microsoft Excel Office version. मेरा Microsoft 365 है, एक ही बात है, इट विल बेसिकली लुक लाइक दिस. सबके पास है एक्सेल? एक्सेल इज समथिंग विच व्हेन यू आर बाइंग अ लैपटॉप, आजकल तो इनबिल्ट रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वो डाल के देते हैं ऑफिस पूरा. इफ स्टिल यू डोंट हैव इट, अगर पुराना लैपटॉप है, यू कैन गो डाउन टू एनी सॉफ्टवेयर के जो शॉप्स होते हैं वो आपका डाल देंगे, बट वो पायरेटेड वर्जन डालेंगे, तो हो सकता है वो थोड़ा हैंग करे, तो मेक श्योर करना वो चीज नहीं हो, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम होगा. एंड इवन सम कॉलेजेस आर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. आई डोंट नो अबाउट DU में प्रोवाइड होता है कि, आई डोंट थिंक DU प्रोवाइड्स यू विद दैट. सम कॉलेजेस इन मुंबई, सम कॉलेजेस इन कैलकटा डू प्रोवाइड, सो यू कैन गो एंड आस्क इन योर ऑफिस, जो भी आपका स्टूडेंट ऑफिस है, कि मेरे को चाहिए मेरा ID पासवर्ड दे दो, उससे आप लॉग इन कर सकते हो. ठीक है, दैट्स अनदर वे कि आपको ये मिल सकता है. दोज हू हैव इट, दोज हू डोंट हैव इट, प्लीज ट्राई नॉट टू गेट अ पायरेटेड वर्जन, ट्राई करो जिससे लैपटॉप लिया था उसी से जाके डलवा लो, वो डाल दी. ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है अभी तक? कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो बिफोर स्टार्टिंग. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू विल सी 7 tabs ओवर हियर: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प. आपके केस में डेवलपर नहीं होगा, बाकी सारे टैब्स होंगे एक्सेप्ट द डेवलपर टैब, बिकॉज डेवलपर टैब इज समथिंग दैट वी यूज, लाइक आई यूज, तो एक बैकएंड के लिए आपको जरूरत नहीं है. तो दिस इज, दीज आर द डिफरेंट टैब्स. ईच टैब हैज हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स इन इट. फॉर एग्जांपल, होम टैब में देखो ऑल द एडिटिंग फीचर्स आर देयर. यू कैन एडिट इट फ्रॉम हियर, फॉन्ट एडिटिंग, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, ऑल द एडिटिंग फीचर्स आर हियर. This is again the most common tab that we use. Insert tab is to insert charts. Baki sari cheeze not required. We don't do pivot tables. So charts, alag alag charts hum log aage jaake padhenge, column chart, line chart. Jabhi bhi jo bhi use kare, hum log jaisa bhi data ho, waisa hum log wo chart use karke usko present karenge. CM1 mein charts bahut use nahi hote, still thoda bahut use hota hai. CM2 mein we use a lot of charts. Page layout is a very basic tab where you can change the layout of this. You will not be using it at all. So not required, or not going in details of it. Formulas is again, you will get all the different set of formulas over here. Mathematical, trigonometry, logical, whatever functions we will be using, you will get here. Again, you will not be using this a lot. Data tab is somewhat we use for goal seek. Ye wala feature hum use karenge kuch classes mein. Theek hai? स्पेसिफिकली कंटेंजेंसीज वाले पोस्ट में जब जाएंगे तब हम लोग इस गोल सी को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं. रिव्यू टैब में अगेन वी नॉट यूज अ लॉट ऑफ इट. आपको प्लीज मेक श्योर डोंट यूज दीज फीचर्स विदाउट नोइंग इट, बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो यू डोंट हैव टू यूज एनी ऑफ दीज, यू जस्ट हैव टू यूज दीज नोट्स. वो मैं सिखाऊंगी. कमेंटिंग करना होता है, कभी एग्जामिनर को बताना होता है कि आंसर कहाँ से आया, तो इन दैट केस हम लोग कमेंटिंग यूज करते हैं. ठीक है, व्यू टैब इज अगेन हाउ यू वांट योर स्क्रीन टू बी सीन. जैसे आपको ये ग्रिड लाइन दिख रहे हैं, यू माइट हैव यूज्ड अ
मैथ मैथ का नोटबुक ऐसा बचपन में यूज करते थे ना, ऐसे उसमें सेल्स बने हुए होते थे. सो दीज आर लाइंस, यू कैन रिमूव दीज ग्रिड लाइंस बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन. सारे ग्रिड लाइंस चले जाएंगे. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला बार. ये एफ एक्स दिख रहा है, एफ एक्स. दिस इज द फॉर्मूला बार, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड फॉर्मूला बार विल बी गॉन. दीज कॉलम हेडिंग्स, कैन यू सी, दीज आर कॉलम्स. ऐसे लाइन्स कॉलम्स होते हैं, ऐसे रोज हमारे ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं एंड वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो कॉलम हेडिंग्स ए बी सी डी लेटर्स के फॉर्म में होता है. जेड आ जाएगा, देखो, उसके बाद डबल ए, ए बी, ए सी, वैसे करके पूरा एन तक. ठीक है, वॉट इज योर लास्ट कॉलम? एक्स एफ जेड. सो मैनी कॉलम्स यू हैव इन वन शीट. एंड हाउ मैनी रोज? 1, 2, 3, 4. अगेन दिस गोज अप टिल 1048576, मोर देन 10 लाख रोज, राइट? सो इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द कॉलम हेडिंग्स एंड रो हेडिंग्स, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन हेडिंग्स एंड वो चला जाएगा. अगेन वी डोंट वॉन्ट टू डू दीज काइंड ऑफ स्टफ. फ्रीज पेन्स, वी समटाइम यूज फ्रीज पेन्स, तो वो हम लोग सीखेंगे. हेल्प टैब इज बेसिकली, दिस इज अ कम्युनिटी. अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ पूछना है, कम्युनिटी, ओपन कम्युनिटी है फॉर ऑल द पीपल पीपल यूजिंग एक्सेल, आप लोग यहाँ कर सकते हो. अगेन समथिंग विच वी नॉट बी यूजिंग. फाइल टैब हम लोग देखेंगे. वेन वी सेव आर वर्क, वी विल बी यूजिंग द फाइल टैब. सो दीज आर द बेसिक टैब्स दैट वी विल बी यूजिंग. ऑल राइट, नाउ कमिंग बैक, यू कैन ऑल्सो जस्ट ये वाला देखो, यहाँ पे दिख रहा है बॉटम, बॉटम राइट. तो यहाँ पे ना आप ऐसे मैग्निफाई कर सकते हो, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो. ठीक है, ये स्क्रोलर है, यहाँ पे आप स्क्रोल कर सकते हो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. दिस इज द नेम बॉक्स. सो दीज आर बेसिकली सेल्स. ये जो सारे है ना, एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज नोन एज अ सेल. ऑल राइट, इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज नोन एज अ सेल. एंड ईच सेल कैन कंटेन एनी वैल्यू. एंड द नेम ऑफ द सेल कैसे नेमिंग होता है? F3. सो फर्स्ट इज द लेटर, देन इज द नंबर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेम बॉक्स. नेम बॉक्स बेसिकली, नेम बॉक्स इज वॉट कंटेन्स द नेम ऑफ द सेल. यू कैन ऑल्सो रीनेम इट. वी लर्न हाउ टू डू दैट. दिस इज द फॉर्मूला बार. कुछ भी फॉर्मूला, कुछ भी टाइप करते हो, वैल्यू लिखते हो इसमें, तो वो यहाँ पे आता है. दीज आर ग्रिड लाइन्स एज आई मेंशन्ड, राइट? एंड दिस इंटायर थिंग इज शीट वन. यू कैन एड मल्टीपल, जैसे एक नोटबुक में एक शीट्स होते हैं ना, पेजेस होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे इसको वी कॉल इट एज अ स्प्रेडशीट एज अ होल, और वर्कबुक एज अ होल. इन अ वर्कबुक और इन अ स्प्रेडशीट यू कैन हैव मल्टीपल वर्कशीट्स. सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड यू गेट मल्टीपल वर्कशीट्स और शीट्स. ठीक है, दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, टॉप लेफ्ट. आपके आपके में थोड़ा डिफरेंट होगा, मेरे में थोड़ा डिफरेंट है. इसको हम एडिट करते हैं. ये एक एरो दिख रहा होगा आप लोग को. कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट, न्यू, ओपन, ईमेल, ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली. आपके केस में अंडू, रीडू एंड सेव चलेगा. मीनिंग इफ यू आर डूइंग समथिंग, उसको अंडू करना है, रीडू करना है, वर्क को सेव करना है, तो ये सारे चीजें चलेगी. बाकी यू डोंट नीड. ऑल राइट, यहाँ पे देखना ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये भी ब्लैंक है. जस्ट फॉलो माई कर्सर. दिस पार्ट इज ब्लैंक राइट नाउ, बॉटम राइट. इसको क्विक एक्सेस या फिर हम लोग इसको यूजली क्विक सम बार बोलते हैं. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है. एंड नथिंग एल्स, और उतना डिटेल्स में आपको अभी नहीं जाना है. ठीक है, क्लियर? Layout is understood. Chalo. Now, let's suppose in sheet 1, in any one particular cell, you want to type anything. You can just simply type anything. The moment you are typing, dekho yahan pe formula bar mein wo show karega. Right? You can type anything. It will be showing in this particular formula bar. Name of the cell is D3. If you want to change the name of the formula bar, of this particular cell, अभी क्या है, D2 है, इसको मुझे चेंज करना है.
हाउ टू चेंज इट, टू थ्री वेज ऑफ चेंजिंग इट. डबल क्लिक यहाँ पे एंड जस्ट राइट वट एवर नेम. फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इंस्टीट्यूट एंड हिट एंटर. द मोमेंट यू हिट एंटर द नेम ऑफ द सेल विल चेंज टू इंस्टीट्यूट. फ्रॉम देखो क्या हुआ, फ्रॉम डी टू तो क्या हो गया, इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ गया इधर. ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड, वेरी बेसिक. क्यों करते हैं हम लोग नेम चेंज भाई, तुम हर क्लास में लेट आता है. बंद कर पूरा, मेट्रो लेट थी अच्छे से, वो खुल गया है, बहुत नॉइज आएगा फिर. चेयर है ना, ठीक है. तो ये इंस्टीट्यूट हो गया. सी एम वन फॉर एग्जाम्पल पेपर है, तो इधर पे पेपर, हिट एंटर. ट्राई करो, जिनका नहीं हो रहा हैंड रेस करो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स नीड टू जस्ट स्विच ऑन योर कैमराज, अदरवाइज आई विल रिमूव यू ऑल, बिकॉज आई डोंट नो वेदर यू आर स्लीपिंग, यू आर स्टडिंग, टॉकिंग टू समवन. यस नो, क्लास में कुछ लिख भी नहीं रहे हो चैट बॉक्स में. यू जस्ट हैव 1 मिनट टाइम, ऑन करो वरना मैं निकाल दूंगी क्लास से. चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं लिख रहे हो तुम लोग. ध्रुव मित्तल, आई हैव सीन यू इन कॉलेज, तुम क्यों नहीं आए क्लास में आज? मैम मैं दिल्ली में ऑनलाइन लेता हूँ क्लास। ये क्या मतलब है, हम आए क्यों थे यहाँ पे फिर दिल्ली में पढ़ाने? ट्रैवलिंग को बहुत इशू रहता है मैम। अब वो तो तुम्हारा दिल्ली ऐसा है, क्या करें बताओ. मैं तो हम दिल्ली से हूँ ही नहीं मैम। एक दो क्लास में तो आ ही सकते हो, ऐसा क्या बात है, कल मतलब. टेस्ट देने होंगे। ठीक है, वेरी गुड. बाकी सबका कैमरा ऑन नहीं हुआ है अभी तक. ओके अमन, आई अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट अदर्स? बट यू नीड टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. अब सही लग रहा है? जिन्होंने नहीं किया उनको निकाल दूंगी क्लास से. ठीक है, बेसिक. अब देखो सेल हम लोग क्या करते हैं, ये सब थोड़ी करने के लिए हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं. हम लोग कैलकुलेशंस के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है 500 × 675. ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज करो या एक्सेल. सो नाउ यू आर एक्चुअली पुटिंग अ फंक्शन 500 प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग. सो इक्वल टू साइन पहले देंगे, देखो यहां भी इक्वल टू आएगा. इक्वल टू साइन पहले देंगे, इक्वल टू साइन के बाद इक्वल टू से क्या समझ में आता है एक्सेल को, दैट शी इज गोइंग टू राइट अ फंक्शन और कुछ भी जो मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अब, है ना. सो 500 प्लस 657, क्लिक ऑन एंटर. अपने आप देखो क्या हुआ, आंसर आ गया. सिंपल. सिमिलरली यू कैन डू माइनस, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी यूज दिस साइन. पहले देखो फिर मैं टाइम दूंगी करने का. नीचे देखोगे तो फिर यहां कैसे देखोगे. मल्टीप्लीकेशन इज दिस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन साइन 78 × 2. डिविजन के लिए क्या यूज करते हैं, स्लैश ऐसे, ये फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, डिवाइड. देखो मैंने इक्वल्स टू नहीं करा ना, अब ये क्या हो जाएगा ना, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा. आप ये मैं समझाऊंगी कि ये क्यों हो रहा है, बाद में समझाऊंगी. 8 by 2, ठीक है, ये आ गया. एक चीज और नोटिस करना, ऑल द नंबर्स, दीज आर नंबर्स, राइट, दीज नंबर्स आर अलाइंड टू द राइट, वेर एज द कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स, दीज आर नोन एज स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर इज अलाइन टू द लेफ्ट. बाई डिफॉल्ट इन एक्सेल नंबर्स आर अलाइन टू द राइट एंड कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स आर अलाइन टू द लेफ्ट. बाई डिफॉल्ट दैट्स द कन्वेंशन. ऑल राइट, क्लियर. सो बेसिक कैलकुलेटर के जैसे वी कैन यूज, राइट.
नाउ माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन, टू दी पार, टू दी पार के लिए क्या करेंगे, 6 टू दी पार, ये कैरेट सिंबल, ठीक है। शिफ्ट 6, शिफ्ट 6 करने से वो कैरेट सिंबल आ जाएगा एंड यू कैन यूज इट, ठीक है। गॉट इट। अब ये जो रीनेमिंग करा था ना यहाँ पे, अब देखो इसका मैं दिखाती हूँ यूज क्या होता है। इक्वल टू देखिए, अभी तक प्लस माइनस ये सब आपने सीखा। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या रीनेमिंग किया था मैंने, पेपर, लेट मी राइट पेपर, क्या हो रहा है देखो, वो सेल सिलेक्ट हो रहा है, व्हेन यू क्लिक एंटर इधर पे वो आउटपुट आ गया, ठीक है। दूसरी शीट में जाते हैं, शीट टू में, शीट टू में सेम चीज करते हैं, शीट टू में भी सेम चीज करते हैं, जैसे पीएपी भी लिखो पूरा आ जाएगा। तो अगर आपको पूरा टाइप नहीं करना, क्लिक ऑन टैब, टैब अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्टकट है ये, पूरा टाइप नहीं करना पड़ता, क्लिक एंटर। सिमिलरली इंस्टीट्यूट, हाँ एरर आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा ये हुआ ही नहीं होगा, इधर जाके तो चेक करो रीनेमिंग ढंग से, एरर आ रहा है, कुछ और हुआ है, कैपिटल आई स्मॉल आई, स्पेसेस दे दिया होगा इंस्टीट्यूट के बाद। जब तुम इक्वल टू कर रही हो और तुम आईएन लिख रही हो तो वो ऐसे आ रही है वाला चीज, नहीं तुमने तुमने ऐसे ही एंटर कर दिया होगा, देखो पूरा टाइप नहीं किया वर्ड, तुमने आईएन लिखा और एंटर कर दिया पूरा, देखो इधर देखो, तभी मैं बोल रही हूँ पहले देखो, ये पेपर ए नहीं है, पेपर ए में तो फॉर्मूलाज नहीं कुछ लिख दिखते हैं सब कुछ, तुम लोगों को देखना पड़ेगा, फिर मैं 1 मिनट दूंगी, फिर करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हर टाइम एरर करोगे तुम लोग। आई एन लिखोगे, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट पे कैसे जाए, नीचे वाला एरो क्लिक करो, इंस्टीट्यूट पे आ गए, टैब क्लिक करो, पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट पूरा लिखेंगे हम लोग, मेरे आई डोंट डू दिस, प्रोफेशनल्स डोंट डू दिस, वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाट वी डू, वी राइट आई एन, नीचे नीचे गए, टैब प्रेस करा, एंटर प्रेस करा, गॉट इट। तुमने क्या किया, आई एन लिख के कर दिया, इसीलिए वो एरर आ गया, चेक करो अभी। तुम लोग का एरर, तुम लोग के मुंह से बोलने से पहले या अंडरस्टैंड क्या एरर है, और वो एरर तुम लोग करोगे, यू हैव टू सी व्हाट आई एम डूइंग फर्स्ट देन यू डू। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, जब बड़े बड़े टेबल्स बनाएंगे तो तुम लोग कर ही नहीं पाओगे फिर। सो गेट इन टू द हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड सीइंग, देन ओनली पेपर बी यू विल बी एबल टू डू। नहीं, स्पेस सेंसिटिव है, नॉट केस, हाँ आर उल्टा है, आर प्रोग्रामिंग उल्टा होता है, यहाँ पे इट इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, बट वैसे केस सेंसिटिव है वो वाला चीज के लिए, फंक्शंस के लिए नहीं है, फंक्शंस के लिए नहीं है, फंक्शंस तुम स्मॉल कैपिटल दोनों लिख सकते हो, वो तो ऑब्वियसली होगा जो तुम बोल रहे हो, तो तुम खुद से असाइन कर रहे हो ना, उसमें होगा, गॉट इट। वी लुकअप में भी होगा बट ऐसे नहीं, ठीक है, ये हुआ। अब ना एक तो समझ में आया क्यों रीनेमिंग करते हैं, उसका क्या यूज होता है बाकी दूसरे शीट में। यू कैन ऑल्सो रीनेम मल्टीपल सेल्स टुगेदर, आई टीच यू दैट। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट डाउन अ डेटा नेम मार्क्स, ठीक है, सो मैं रैंडमली नेम्स यहीं से ले लेती हूँ, अब ये मत बोलना कि मेरे को कम मार्क्स मिल रहा है,
मैं इसे रैंडमली डाल रही हूँ बस। ठीक है, ये डेटा कॉपी कर लो फटाफट। कर लेना, एग्जाम में मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। सबमिट मत करो, लेफ्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एनीवन हु इज यूजिंग वेब वर्जन ऑफ एक्सेल प्लीज डोंट यूज इट, क्योंकि एग्जाम में फिर होगा। वेब वर्जन ऑफ एक्सेल इज नॉट रिक्वायर्ड और नॉट नीडेड। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें ना कुछ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने। लेट्स सपोज इन सबका सम निकालना है हमें, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखो, इक्वल टू नेम ऑफ द फंक्शन इज सम, कैपिटल एस यू एम भी लिख सकते हो, स्मॉल एस यू एम भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सम, ओपन ब्रैकेट। अच्छा देखो, जब भी सम, पहले देख लो, जब भी सम कोई भी फंक्शन यू राइट ना, दे विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स मीनिंग कलेक्शन ऑफ सेल्स। सो ओपन द ब्रैकेट, वंस यू ओपन अ ब्रैकेट देन दे विल गिव यू ऑल द आर्ग्यूमेंट्स और इनपुट्स दैट यू नीड टू पुट विद इन द फंक्शन। ठीक है, सो लेट्स सपोज आई नीड टू पुट दिस, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके कॉमा दिस कॉमा दिस ऐसे कर सकते हो, बट दिस इज लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट क्विकली सिलेक्ट दिस। ठीक है, वेट वन मोर सेकेंड, यू कैन ऑल्सो यूज अ शॉर्टकट फॉर दिस। अपर बटन, अपर एरो बटन यूज करा, वो ऊपर चला गया। ध्यान से देखना, कंट्रोल शिफ्ट अप, पूरा सिलेक्ट हो गया ना, कंट्रोल शिफ्ट अप, पर मुझे ये नहीं करना था, शिफ्ट, खाली शिफ्ट डाउन, शिफ्ट डाउन करके वो नीचे आ जाएगा। ट्राई करो, क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर। जो भी मैं सिखा रही हूं, ये प्रोफेशनल्स ऐसे यूज करते हैं एक्सेल। जितना आप अपने माउस को लिमिट करोगे यूज करना, जितना खाली कीबोर्ड यूज करोगे, उतना समझ में आता है कि इसको कितना अच्छे से एक्सेल आता है। जो बहुत माउस यूज करता है ना, उसको मतलब एक्सेल नहीं आता, वो ऐसे बस करता है बस। मैम ये कंट्रोल शिफ्ट वाला दोबारा बताना एक बार। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, पहले तो अप एरो क्लिक करो, यहाँ आएगा कंट्रोल शिफ्ट अप, शिफ्ट डाउन करके वो नीचे आ जाएगा, एक कम सिलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट अप से क्या होता है ना, पूरा सिलेक्ट। एक बार देख लो प्लीज, इफ यू आर हियर, नेम में है आपका कर्सर, शिफ्ट डाउन करोगे तो वो उससे सिलेक्ट होता है, या शिफ्ट अप कर रहे हो तो डी सिलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल डाउन करोगे तो मूव करोगे इधर ऐसे, कंट्रोल डाउन, जो भी लास्ट वैल्यू वाला सेल है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देती हूँ, ठीक है, यहाँ खड़े, कंट्रोल डाउन करेंगे, सॉरी कंट्रोल राइट करेंगे तो यहाँ जाएंगे, नेक्स्ट रिटर्न वैल्यू जो भी रहेगा, नेक्स्ट रिटर्न, यहाँ खड़े हो के कंट्रोल राइट करोगे तो पूरा लास्ट तक पहुंच जाओगे। तो कंट्रोल से यू मूव, कंट्रोल एंड एरो, शिफ्ट से यू सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट टुगेदर सिलेक्ट पूरा लास्ट तक, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर, शिफ्ट नीचे, डी सिलेक्ट। कंट्रोल होता है एकदम एक्सट्रीम्स जाने के लिए, शिफ्ट होता है सिलेक्ट करने के लिए। करो ट्राई, वापस से दिखा देती हूँ। ऐसे मैं ऐसे कर्सर को, चो भाई गलत हो जाएगा ऐसे, तो यहां मैंने सम लिखा, कर्सर यहां लेके गए, कंट्रोल शिफ्ट अप, शिफ्ट डाउन, क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर।
अब इसको थोड़ा अगर डेकोरेट करना है, इसको आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे बोल्ड है, या शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, यू कैन सिलेक्ट द एंटायर। ये तुम वहां बैठ के इसको कैसे हिला रहे है? इतना लंबा पैर हमारा। इंडिगो का फ्लाइट में तो तुम बैठ ही नहीं पाता होगा। ऑल्ट एच बी ए, ठीक है ठीक है, रुक जाओ, पहले यहां तक कर लो, एक दिन में ज्यादा शॉर्टकट नहीं सीखेंगे। बस तुम्हारा नहीं आएगा आंसर, बस पता नहीं, वो एक बच्चा होता है क्लास में जिसका आंसर कभी नहीं आता है, वो तुम बन गए अब। रुक जाओ सब लोग, उसको छोड़ दो, एग्जाम में तुम लोग नहीं आओगे ना। यहाँ देखो, ये इस पिक जाओ, डबल क्लिक करो, क्या सिलेक्ट किया हुआ है सम के अंदर, तुम क्या इसको सिलेक्ट कर लिया होगा 0 0 वाले को। हाँ नंबर, वो एक वर्ड आ गया ना, तो वो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके देखो कि क्या सिलेक्टेड है, B2 से B7 है कि कुछ और भी है। हाँ ऊपर नहीं लेके गए तुम, वहीं से कंट्रोल शिफ्ट अप कर दिया। सिमिलरली सम फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन है, यहाँ पे इट विल नॉट मेक मच सेंस बट ठीक है। प्रोडक्ट देखो मैंने क्या किया, डी तक लिखी, ये आया, टैब क्लिक किया, नॉट ओनली पूरा प्रोडक्ट आ गया, ब्रैकेट भी ओपन हो गया। टैब क्लिक करने से ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अगेन गो अप, सिलेक्ट दिस एंड रन। इतना कोई मीनिंग नहीं है, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 89 इंटू 74 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऑल्दो डजेंट मेक सेंस बट ठीक है। एक बार यहाँ ध्यान दो, अरे तुम कितना, मे से ज्यादा कैसे तुम लिख रहे फंक्शंस, यहाँ ध्यान दो, इसको अगर छोटा कर देंगे ना तो ये हैशटैग आ रहा है, ये एरर नहीं है। तुम लोग बोलोगे मैम एरर है, ये हैशटैग आने का मतलब है कि वैल्यू बहुत बड़ा है बट आपने क्या है कॉलम विथ कम कर दिया, तो मुझे दिख नहीं रहा, तो इसको क्या करना है, इधर लेके जाना है कर्सर, जब ऐसे चेंज हो जाएगा कर्सर का साइन, डबल क्लिक, इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द विथ। ऑलराइट करो, शॉर्टकट का लिस्ट तुम लोग बना सकते हो, कंट्रोल डाउन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहीं पे कहीं पे लिख लो, टाइप कर लो। है वो ई में पहुंचा है, पर वो ई में है नहीं, तुम इधर जाओगे ना तो वो ब्लैंक ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू ई तक आ गया ना। हाँ तो छोटा है ना तुम्हारा, तो तुम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो करने का जरूरत नहीं था। विथ को तुम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ लेके जाके कर्सर को ऐसे लेके जाओ इधर, डबल क्लिक। अब यहाँ देखो, मैंने बोला मल्टीपल सेल्स को भी रीनेम कर सकते हैं, मैंने रीनेमिंग का शॉर्टकट नहीं सिखाया, रीनेमिंग का शॉर्टकट देख लो। फॉर एग्जाम्पल इसको नेम, ये तो ऑलरेडी नेम किया हुआ है, सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ नेम, ठीक है। अब इसको, इस सेल को D1, D1 को मुझे रीनेम करना है नेम, मान लो ठीक है, मतलब ये वाला वैल्यू, ये जो जो वैल्यू है इसका नेम चाहिए मुझे इधर, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट इज कंट्रोल शिफ्ट F2, F3 होता है, मैं हमेशा कंट्रोल शिफ्ट F3। द मोमेंट यू फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट दीज टू, फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट दीज टू, कंट्रोल शिफ्ट F3 करा, कंट्रोल शिफ्ट F3 के बाद वो पूछेगा क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन व्हाट कॉलम, तो यू नीड टू क्रिएट नेम
ऑफ डी वन ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट कॉलम विच इज नेम, क्लिक ऑन ओके. द मोमेंट यू डू दैट इसमें जाओ, देखो ये नेम में चेंज हो गया. तो क्या होता है कि मल्टीपल, ये आपको काफी काम आते हैं CM1 में. जैसे आप लोग CM1 में ना काफी सारे वेरिएबल्स पढ़ोगे, मैं रिपीट नहीं करने वाली, जो मुझसे पूछेगा आपको बैकअप क्लास देखना पड़ेगा. आई विल नॉट रिपीट व्हाट आई एम सेइंग. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, सम अशोर्ट, सम या अमाउंट बोल दो, चलो अमाउंट ऐसे करके, ठीक है. इंटरेस्ट में मैंने लिया 7%, इन्फ्लेशन लेट्स सपोज इज करंटली एट 5%, अमाउंट इज 40,000, ठीक है. इन सेल्स को मुझे रीनेम करना है एज पर टू दिस. अब क्या करते हैं, जो पहले सीखा था इंडिविजुअली, यहाँ जाते सिलेक्ट करते, इंटरेस्ट लिखते, इन्फ्लेशन लिखते, इंडिविजुअली करते. अब क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F3, FN F3. देखो बहुत लैपटॉप्स में ना फंक्शन की अलग से करना पड़ता है प्रेस, तो अगर आपका कंट्रोल शिफ्ट F3 से नहीं आ रहा तो कंट्रोल शिफ्ट FN F3 करना, ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट F3 या FN F3, लेफ्ट कॉलम अपने आप सिलेक्टेड है, बहुत बार रहता है बहुत बार नहीं रहता है. क्लिक ऑन ओके. मोमेंट यू डू दैट देखो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया. नेम बॉक्स चेक करो, ये क्या हो गया इन्फ्लेशन, ये क्या हो गया अमाउंट. यू कैन ऑल्सो डू ऑन द बेसिस ऑफ राइट कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, इसको मुझे INT करना था, INF करना था, AMT करना था, पूरा पूरा नहीं करना था रीनेम. तो मैं क्या करती, मैं इसको सिलेक्ट करती, कंट्रोल शिफ्ट F3, राइट कॉलम करती मैं, एंड ओके. अभी आई एम नॉट डूइंग इट, बट ऐसे भी कर सकते हैं. गॉट इट, करो ट्राई. एक्सेल में ये सब सीखा था स्कूल में? हाँ, तो शॉर्टकट बोल नहीं पाया. कंट्रोल शिफ्ट F3. उसको ऑन करो, वो निकाल दो फैन वाला. हाँ निकाल दो. क्या चीज चाहिए, AC? नहीं, बंद करेंगे तो सफोकेशन हो जाएगा पूरा. थोड़ा मिनिमम, अब नहीं आएगा. हाँ बहुत फास्ट है, ऊपर ही कर रही हूँ. हाँ नीचे करने से वो लोग बोलेंगे. ठीक है, बस 1 month का बात है, फिर तो दिल्ली में नहीं चाहिए कुछ भी, है ना. अक्टूबर में थोड़ी चाहिए होता है कि चाहिए होता, मतलब आई एम नॉट श्योर. ठीक है अब कि नहीं, अरे और नहीं हो रहा ये, उसके ऊपर हवा आ रहा है. मैथ्स ऑनर्स, आ रहे क्या? स्वेटर लेके आना कल से, ठीक है. डन, चलो. तो ये रीनेमिंग वाला चीज हो गया. नाउ इफ आई रीनेम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, और यूज देख लेते हैं रीनेमिंग का क्या यूज होता है. तो ये यहां तक, प्लीज सम, आई सम वाले को मत ले लेना, यहां तक, ठीक है. इस पूरे सेल्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, एंड मार्क्स, मैंने इसको रीनेमिंग कर दिया मार्क्स, एंटर. पूरा सिलेक्ट करके एक और शॉर्टकट है, देख लो. रिव्यू टैब में जाओ, फॉर्मूला में, शायद फॉर्मूला टैब में जाओ, फॉर्मूला टैब में जाओ, डिफाइन नेम पे क्लिक करो, फॉर्मूला बार, डिफाइन नेम. ये देखो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है सेल्स B2 से B7, शीट 2 का जो भी नेम आपको देना है, इधर मार्क्स है, मार्क्स लिख दो जो भी नेम देना है, ओके पे क्लिक कर दो. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. भाई गॉसिप करे, ठीक है, करो इसे.
देखो होता है कि नहीं, रीनेम। कैन वी चेंज द नेम बैक? यस, गुड क्वेश्चन। नेम मैनेजर में जाओ, जितने नेम्स तुमने दिए हैं वो है यहाँ पे, सिलेक्ट करके जो भी एडिट करना है एडिट करो, डिलीट करना है डिलीट करो, ठीक है? नेम मैनेजर मत करो यार, ये सब नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, छोड़ो, ठीक है? हो गया। अब इसका क्या यूज है, दूसरे शीट में जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ तो तुम देख ही नहीं रहा है। इक्वल्स टू सम ऑफ, अब लेट्स सपोज मेरे को वो सारे सेल्स का सम लेना है। दो तीन तरीका है, देखो यहाँ पे अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू। क्या करेंगे, मुझे उन सेल्स का लेना है सम। लिखा, उस शीट में गए, ये सिलेक्ट करा, यहाँ तक, इसको मत ले लेना, ये सिलेक्ट करा, फिर क्या करते हैं बताए, वापस से शीट में चले जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्लोज ब्रैकेट हिट, जीरो ही आएगा ना, वो हुआ क्या? तुम जब उस शीट में आ गए तो ये शीट टू से शीट थ्री हो गया, हुआ कि नहीं? इसका आ गया सम। अब अभी तो देख के समझ में आ रहा है क्योंकि अभी इतना सा कैलकुलेशन है, जब बड़े बड़े टेबल्स में वो करोगे तब डिफिकल्टी हो जाता है। तो क्या करेंगे, सम, ठीक है, दूसरे शीट में जाएंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड हिट एंटर, वहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, या अगर कॉमा देके दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट डालना होगा तो कॉमा दे देंगे, ताकि जब वापस से शीट में आओगे कॉमा देने के बाद तो वो चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली आ जाओगे विदाउट गिविंग कॉमा और विदाउट गिविंग ब्रैकेट, तो वो चेंज हो जाएगा। स्पेस नहीं दे सकते एक्सेल में, अननेसेसरी स्पेसेस नहीं दे सकते हो। अनदर थिंग विच आई कुड हैव डन, सम ऑफ मार्क्स, वो पूरा सिलेक्टेड था रेंज ऑफ सेल्स, है ना? देखो ये आ भी गया, क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर, दिस इज अनदर थिंग, सो दैट इज ऑल्सो, इट हेल्प्स। अनदर थिंग लास्ट, सम, दिस इज वॉट आई डू, क्योंकि रीनेमिंग हमेशा नहीं होता, ओपन ब्रैकेट, दूसरे शीट में जाने तो कर्सर नहीं यूज करूंगी मैं, आई विल यूज अ शॉर्टकट, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप यूज करा, ऐसे कुछ भी राइट एरो लेफ्ट एरो पे क्लिक करा तो वो आ जाएगा, ऐसे देखो ऐसे स्क्रॉल किया इधर गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, शिफ्ट अप अप, ये करने का भी जरूरत नहीं है, ये आप लोग बाद में सीखोगे, तो ये हट, ये भूल जाओ, ऐसे सिंपल करो, वो पेज अप पेज डाउन वाला फीचर विद टाइम सीखोगे, अभी के लिए नहीं, ठीक है? तो रीनेमिंग, ये भी एक हेल्प आ गया रीनेमिंग से, गॉट इट, अंडरस्टूड, बेसिक, जिसका नहीं आएगा प्लीज बता देना मुझे। अब देखो इसको बॉर्डर्स भी दे सकते हैं, अच्छा कर लो पहले, इतना कर लो, मैम ये तो काइंड ऑफ आर प्रोग्रामिंग जैसा नहीं होगा कि जैसे नेम को हमने वेक्टर ही बना दिया एक, और फिर उसका सम कर रहे हैं, उस पे ही अप्लाई कर रहे हैं वो चीज। सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं सेम ही रखता है, ऑल्दो एक्सेल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट स्टिल मतलब थोड़ा सिमिलैरिटी हर जगह ड्रॉ कर सकते हो। ओके मैम, बट एकदम से हमेशा वही मत करते रहना, वरना एरर कमिट करोगे यहाँ पे अननेसेसरी। ओके मैम, पाइथन करोगे तब लगेगा अरे ये सिमिलर है, वीबीए करोगे अरे वो सिमिलर है, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर। इक्वल टू सम, मार्क्स रीनेमिंग किया था उधर, पूरे सेल्स को साथ में लेके सिलेक्ट करके रीनेम किया था, हाँ तो इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारा, उधर जाओ इसको सिलेक्ट करो, इस पे डबल क्लिक करो एंड रीनेम करो सारा सिलेक्ट करके, कर सकते हैं, क्यों करना है तुमको, इजी रूट अपनाओ। भाई उसको बहुत ठंड लग रहा है, कैसे ऐसे ऐसे कर रहा है।
रूम में ये हो नहीं रहा एक्चुअली, ऊपर सेम है कुछ रुको फैन कम कर देते हैं, अब कम हुआ? फैन कम कर दिया मैंने, फैन कम कर दिया एकदम। अरे हमने ना थोड़ा एसी वैसे ही ले लिया है, मतलब हमने से हाई एंड एसी नहीं लिया है, काम चलाओ एसी है। ठीक है। अरे यस नो कोई नहीं लिख रहा चैट बॉक्स में, पता नहीं अजीब से हो तुम लोग, आज तक तो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं मिले मेरे को। कैमरा भी बंद कर लिया आधे लोगों ने। गर्ल्स आई हैव सीन आर वेरी कॉन्शियस, बाल ऐसा लग रहे वैसा लग रहे। बॉयज ने ऑन कर रखा है, गर्ल्स ने नहीं ऑन कर रखा, एक जन को छोड़ के, उसका भी हाफ फेस दिख रहा है खाली। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें ना आप लोग ऐसे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ होम टैब में जाओ, ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है अलग अलग, ऑल बॉर्डर्स, इसी का शॉर्टकट मैं बोल रही थी, शॉर्टकट इज ऑल्ट एच बी ए। क्या होता है एक्चुअली, ऑल्ट इज अ शॉर्टकट यू यूज फॉर एवरीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस, आई सिलेक्ट दिस एंटायर थिंग, ऑल्ट पे क्लिक करो, ऑल्ट पे क्लिक करते देखो ये सब जगह ना ऐसे लेटर्स नंबर्स आ गया, तो ऑल्ट क्लिक किया। अब लेट्स सपोज मुझे कुछ होम टैब का सिलेक्ट करना है, तो एच फॉर होम, इंसर्ट फॉर एन, पी फॉर लेआउट, सो एच होम टैब में आ गए। अब होम टैब में भी हर एक का अपना अपना है, तो ऑल्ट एच, बी इज फॉर बॉर्डर, एच इज फॉर कलर, एफ सी इज फॉर फॉन्ट कलर, ए एल, ये सबका है अपना अपना। तो जो सबसे ज्यादा यूज, मुझे भी नहीं आता पूरा, इवन आई डोंट नो, मैं जो सबसे ज्यादा यूज करती हूँ मुझे वो शॉर्टकट याद रहते हैं। तो बी करेंगे बॉर्डर के लिए, देखो बी पे क्लिक करा तो ये खुल गया। अब मैंने क्या था, ऑल्ट एच बी ए, ए फॉर ऑल बॉर्डर्स, इफ आई डू एन, टाइप एन, तो नो बॉर्डर्स, बॉर्डर चले जाएंगे। ये ना एक बार में नहीं सीखोगे, ये प्रैक्टिस कर करके थोड़ा थोड़ा सीखोगे। आई एम नॉट इवन आस्किंग यू टू लर्न दी शॉर्टकट्स, व्हाट शॉर्टकट्स आई आस्क्ड यू टू लर्न इज कंट्रोल डाउन एरो, अप एरो, साइड एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो डाउन एरो। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ सारा सीखा था एंड शिफ्ट के साथ सारा सीखा था। उसके बाद मैंने एक और कौन सा सिखाया था, कंट्रोल शिफ्ट F3 या FNF3 फॉर रीनेमिंग, गॉट इट? और कुछ सीखा अभी तक हमने? नहीं, ऑल्ट एच बी ए तो ठीक है। तो ये आपके सारे शॉर्टकट्स हो गए, गॉट इट? तो ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड राउंड फंक्शन, नंबर राउंड करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग राउंड एंड मुझे राउंड करना है 25.67543 कुछ भी, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स कितना चाहिए आफ्टर डेसिमल। लेट्स सपोज मुझे 2 डिजिट्स चाहिए, सो आई राइट 2, क्लोज द ब्रैकेट, क्या आ जाएगा, 25.68। ठीक है, जीरो करोगे तो क्या आएगा, 0 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 25 या 26? हाँ 25 कौन बोल रहा है, बिजनेस मत करना, लॉस हो जाएगा तुम्हारे से पॉइंट पॉइंट में। 26, ठीक है, गॉट इट? ठीक है, सिमिलरली यू हैव सीलिंग फंक्शन, सीलिंग अभी हटा दिया इन्होंने, फ्लोर फंक्शन नॉट डूइंग इट, नॉट रिक्वायर्ड इन योर सिलेबस। राउंड फंक्शन चाहिए होता है कभी कभार, जब वो बोलते हैं कि 1 डेसिमल 2 डेसिमल तक राउंड दो। अब देखो ये जो नंबर्स हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ कैसे आ रहे हैं, ये जनरल और ये भी जनरल। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ नंबर में गए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड नंबर, जनरल हैज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, टेक्स्ट को वो भी जनरल में लेगा, लेफ्ट अलाइन रखेगा, नंबर को राइट अलाइन रखेगा, नंबर लेगा। ठीक है, नंबर स्पेसिफिकली बाय डिफॉल्ट वो 2 डेसिमल्स तक देता है, अगर आपको इंक्रीज करना है तो ये देखो इंक्रीजिंग डेसिमल्स वाला बटन है, इंक्रीज डेसिमल्स, ये डिक्रीज डेसिमल्स वाला बटन है, डिक्रीज डेसिमल्स, जैसे यहाँ गए, इंक्रीज करने से भी 26.0 आ रहे क्योंकि आपने फंक्शन में ही जीरो डाल दिया है ना, तो
तो ऐसे करके हम लोग नंबर में चेंज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ डेट. तो इसके लिए मैं इधर आती हूँ. अब क्या होता है ना, बाई डिफॉल्ट नंबर्स इन एक्सेल आर स्टोर्ड एज अ फॉर्म ऑफ, मतलब डेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर इन एक्सेल. आपको क्यों लगेगा डेट्स? आप लोग जब कैश फ्लोज करोगे. अभी तक कहाँ तक किया है पेपर ही में? इक्वेशन ऑफ वैल्यू कर लिया ना. तो उसमें क्या होता है कि किसी किसी डेट्स पे पैसा आ रहा है, किसी किसी डेट्स पे पैसा जा रहा है ना. तो डेट्स इंपॉर्टेंट है. तो डेट्स इंपॉर्टेंट है. मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताती हूँ. मेरा मैंने एग्जाम दिया था CP2 का, क्योंकि मैंने कभी एक्सेल का उसके पहले CM1 में केस में था नहीं, मैंने पेपर भी दिया ही नहीं था. तो CP2 मॉडलिंग मैंने एग्जाम दिया. व्हाट हैपेंड, ऑल्दो मैं पढ़ा रही थी एक्सेल, बट स्टिल व्हाट हैपेंड, आई यूज्ड सम अदर सिस्टम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. जैसे मेरे में देखो डेट कैसा है, देख रहे हो डेट मंथ ईयर सिस्टम में, डेट मंथ ईयर. मेरा लैपटॉप का कर्सर फॉलो करो. आपके केस में हो सकता है मंथ डेट ईयर हो सकता है. बाय डिफॉल्ट आजकल जनरली डेट मंथ ईयर ही रहता है. पहले के लैपटॉप्स में, 10 ईयर्स पहले के में सिस्टम डिफॉल्ट होता था मंथ डेट ईयर, क्योंकि दैट इज वॉट US फॉलोज मंथ डेट ईयर, UK फॉलोज डेट मंथ ईयर, दैट इज वॉट वी ऑल्सो फॉलो. तो जो सिस्टम डिफॉल्ट रहेगा वो आपका एक्सेल डिफॉल्ट रहेगा. ठीक है ना, ठीक है ना. तो लेट्स सपोज मैं डेट डालती हूँ, कर सकते हैं जाके सिस्टम में, आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो 2/2/24. अब दोनों 2/2 है, बट क्योंकि मेरा सिस्टम डिफॉल्ट डेट मंथ है तो यहाँ पे भी डेट मंथ लेगा, मतलब 2nd Feb. ठीक है, ये ऐसे आ गया. अब इसको मुझे अभी देखो अपने आप डेट ले लिया इसने, अपने आप ही डेट ले लिया इसने. ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं. शॉर्ट डेट, ये शॉर्ट डेट है. लॉन्ग डेट देखो फेब्रुवरी, अपने आप फेब्रुवरी ले रहा है. जिसका मंथ डेट ईयर होगा वो भी फेब्रुवरी ही लेगा, बिकॉज मैंने 2/2 डाला है, बट वो चेंज हो जाता है. गॉट इट, गॉट द लॉजिक. अब इसको आप अपने मन से भी चेंज कर सकते हो. कैसे, इस पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स में जाओ. फॉर्मेट सेल्स में डेट में यू कैन हैव मल्टीपल वेज इन विच यू आर प्रेजेंटिंग द डेट. देख रहे हो मल्टीपल वेज, इसका मतलब है ये वाला आपका हो गया डेट मंथ ईयर. ठीक है, उल्टा भी होगा इसमें कहीं नीचे, ये वाला नहीं, ये भी सेम है, इसमें होगा नीचे कहीं, कर सकते हैं खुद से. ये हो गया ईयर मंथ डेट. ठीक है, तो आप यहाँ से या कस्टम में जाओ. कस्टम में आप अपने मन का डाल सकते हो, ईयर ईयर ईयर, मंथ मंथ, डेट डेट. फॉर एग्जाम्पल आपको चेंज करना है इसको, तो इसको ना ऐसे चेंज करते हैं, देखना DD MM YY. ऊपर सैम्पल आ गया, DD इज फॉर डेट, मंथ इज MM फॉर मंथ ईयर. फॉर एग्जाम्पल 3 बार M डालेंगे तो क्या आएगा, FEB. 4 बार डालते ही वो पूरा आ जाएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूज हो गया एक्सेल कि चाहते क्यों तुम अपने जीवन में. सिंगल एम, डबल एम, जीरो आ जाएगा बेसिकली. सिंगल में जीरो नहीं था, डबल में जीरो, ट्रिपल में ये, और 4 उसके आगे नहीं होता है. मैंने तो नहीं पढ़ा. ठीक है, वाई में 4 बार वाई डालोगे तो ये. अब तुम बोलोगे 3 बार मैम, डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो 2 बार वाई इज 24, 4 बार या 3 बार गिव्स यू पूरा. आई यूजली राइट 4 बार, लिखना वही चाहिए इंसान को. ठीक है, डी में DD ही होता है. ठीक है, बहुत बार डे भी डालते हैं लोग, जैसे कि अगर 4 बार डालोगे तो फ्राइडे वो डे आ जाएगा. 4 वाला डे मतलब मंडे से संडे कौन सा डे है. ठीक है, डैश देख के DD कर सकते हो, दिस इज अनदर अप्रोच. यहाँ कॉमा देना है, कॉमा आई थिंक नहीं, इधर नहीं कॉमा आई थिंक, लेट मी सी इफ इट वर्क्स. यहाँ पे इसके बाद कॉमा देने दे सकते हैं. सो यू कैन, जैसा आपको चाहिए आप वैसा आउटपुट कस्टम में जाके कर सकते हो. ठीक है, अब अपने तरीके से मैम मत करना कि 6 बार DD देंगे तो क्या होगा, 5 बार MM देंगे तो क्या होगा. कोडिंग लैंग्वेज मतलब ये कोड्स इनका सेटअप क्या हुआ ना, आप उनको नहीं चेंज कर सकते हो. गॉट इट, तो ओके, दिस इज वॉट यू आर गेटिंग. ऑल राइट, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा.
जो सिस्टम डिफॉल्ट है प्लीज चेंज मत करना। IFO स्टूडेंट्स यूके का एग्जाम देंगे, IA स्टूडेंट्स इंडिया का देंगे, दोनों में डे मंथ ईयर फॉलो होता है, ठीक है ना। अब कहीं पे आपके ना एक दो क्वेश्चन में मंथ डेट ईयर है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, तो वहां हम लोग कस्टम में जाएंगे। कैसे चेंज करेंगे देखो, लास्ट टाइम दिखाती हूँ। फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, यहाँ कस्टम में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, मंथ मंथ, डेट डेट, योर योर, ठीक है, किया हमने, क्लिक ऑन ओके। अभी ये आ रहे, लेट्स सपोज आज का डेट क्या है, 23rd, 23rd 9 24। अपने आप देखा, चेंज कर दिया मैंने, क्या कहते हैं, MMDDYY, ठीक है, ट्राई करूं। चार बार लिखोगे तो डे आएगा, दो बार लिखोगे तो डेट आएगा। तुम्हारा एक्सेल का वैसे सेट किया हुआ होगा, क्या होता है ना, तुम्हारा न्यू वर्जन ऑफ एक्सेल में ना वो ऐसे सेट करके देते हैं पहले के वर्जन, तभी मैंने बोला ना पहले 10 10 ईयर्स पहले करते तो वैसा होता, तो वो जैसा सिस्टम डिफॉल्ट है एक्सेल डिफॉल्ट है, एक्सेल का तुम्हारा बाय डिफॉल्ट डेट वैसा सेट किया हुआ है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे तुम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ इधर, कुछ और बेसिक फंक्शंस पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इक्वल टू दिस, लेट्स सपोज मेरे को कट ऑफ रखना है पासिंग का, कट ऑफ होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो जिसका 60 से कम आया है उसको वो फेल है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे को चेक करना है, कैसे चेक करेंगे देखना एक बार ध्यान देना। इक्वल्स टू दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो अगर वो ट्रू है तो आंसर में ट्रू आएगा लिखा हुआ, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा लिखा हुआ। बेसिकली आंसर जो आ रहा है वो ट्रू या फॉल्स आ रहा है, विच इज नोन एज लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल आंसर्स कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स, ठीक है ना, ग्रे एरिया नहीं है। तो क्लिक किया। अब देखो ये तो एक के लिए किया है, सबके लिए करना है, तो सबके लिए क्या इंडिविजुअली जाएं और ऐसे लिखें, क्या ऐसे लिखें इंडिविजुअली, नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर ऐसे रखेंगे एंड ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से क्या होगा देखना, ये क्या है B2 है, ये क्या हो जा रहा है B3, ये क्या हो जा रहा है B4। सो व्हेन यू ड्रैग डाउन व्हाट इज चेंजिंग, रो नंबर, B तो चेंज नहीं हुआ ना, B तो B है, B2 B3 B4, रो नंबर चेंज हो रहे हैं नीचे ड्रैग करने से। वही चीज जब आप राइट ट्रैक करते हो तो क्या चेंज होता है, B2 से क्या हो गया C2, कॉलम चेंज हो गया। सो व्हेन यू ड्रैग डाउन
रो नंबर्स चेंज व्हेन यू ड्रैग राइट. कैन आई ड्रैग लेफ्ट? यस वी कैन ड्रैग लेफ्ट. ठीक है, बेसिकली क्या हो गया, ए टू सिलेक्ट हो गया. इट्स अ वर्ड, वर्ड को इन लोग मान लेते हैं कुछ ट्रू फॉल्स, गलत है ये बेसिकली. तो अंडरस्टूड, ड्रैग करते हैं लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे भी, ऊपर नीचे भी कर सकते हो. जैसे इसको आप ऊपर करे ड्रैग, ऊपर भी कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा. तो जब ऊपर नीचे ड्रैग करते हैं, रो नंबर चेंज होता है. ऊपर नीचे जब ड्रैग करते हो तो रो नंबर चेंज होता है. जब राइट लेफ्ट ड्रैग करते हो तो कॉलम नंबर चेंज होते हैं, कॉलम नेम्स चेंज होते हैं. गॉट इट? करो इसको. करेंगे करेंगे. तो जैसे मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू करा, लेस दैन इक्वल टू कर सकते हो, खाली ग्रेटर दैन कर सकते हो. खाली ग्रेटर दैन करेंगे तो जिसका 60 आएगा वो पास नहीं होगा फिर, है ना. लेस दैन खाली लेस दैन कर सकते हो, ठीक है. इक्वल टू कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि किसका इक्वल टू 90 है, तो इक्वल टू, सिंपली इक्वल टू, ठीक है. जैसे देखो ऐसे 89 इक्वल्स टू 90, देखना है किसका 90 आया. तो ये फॉल्स है, इसको ड्रैग कर दो ऐसे डबल क्लिक, सारे ही फॉल्स है. इसको लेट्स सपोज 90 करके देखते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा. नॉट इक्वल टू ना ऐसे, नॉट इक्वल टू देखना, नॉट इक्वल टू कैसे करते हैं. उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं नॉट. नॉट एंड विद इन ब्रैकेट यू गिव द लॉजिकल फंक्शन. तो ये क्या है, ये ट्रू है क्या, फॉल्स है? नॉट फॉल्स विल गिव यू ट्रू. वैसे उस तरीके से यूज करते हैं नॉट को, कभी कभी यूज करेंगे जब इसे सीएमएन में इतना ज्यादा नहीं है. गॉट इट? इक्वल टू वाला चीज. अब जैसे मेरे को, मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन आंसर ट्रू फॉल्स आ गया, बट मेरे को हमेशा ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए. आई वॉन्ट समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू नो वेदर द स्टूडेंट इज पास और फेल. So instead of true, I want pass. Instead of false, I want fail. So for that, we use if function. कैसे करते हैं देखो, very very important function. If लिखा, ठीक है, if लिखा, tab press कर दिया मैंने. Logical test देते हैं. What is the logical test? Whether this value is greater than 60 or not, greater than equal to 60 or not. Comma के बाद एक और है value if true. And if you see that these are what, these are inputs that you need to put in within the function if. And these are in brackets. These two are in bracket. This is not in bracket. Bracket में होने का मतलब है it's not a compulsory argument. दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. Compulsory नहीं है देना. ठीक है, हम लोग देंगे. हम लोग को क्या चाहिए? If this is true, value of true. If this is true. तो क्या वैल्यू आउटपुट देना है? पास. खाली पास नहीं लिखेंगे. पास इज अ वर्ड, इट्स अ स्ट्रिंग, यू नीड टू पुट इट विद इन कोट्स, अदरवाइज नहीं आएगा. नीड टू पुट इट विद इन एनीथिंग विच इज अ टेक्स्ट, अ कैरेक्टर, अ स्ट्रिंग नीड्स टू बी पुट इन विद इन कोट्स. ठीक है, सिमिलरली ये हो गया आपका फेल. वैल्यू इज फॉल्स, तो अगर ये वाला चीज फॉल्स है तो स्टूडेंट फेल है, 60 के नीचे है मार्क्स तो फेल. रुको मैं नाम चेंज कर देती हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे अमन एंड ध्रुव को फेल कर दिया, ऐसे में को थोड़ा ना अजीब लगता है. ठीक है, गॉट इट? चलो इसको करके देखो, ड्रैग कर दो.
सबने पास आ रहे हैं तो सबके साथ शो करो अभी नहीं इसको ने सेलेक्ट से दूसरा कर दिया सेलेक्ट लेफ्ट से एक ही वैल्यू को लेकर नहीं मैंने ऐसे ही किया सुंदर बनाने एक्सेल को इस वाला भी करना है तो हम इस तरह से आगे बैठ सकते तुमने क्या कह रहे को इट्स 50 ग्रेटर देन 60 फ्लोर पर इट्स 50 ग्रेटर देन 60 50 100 आएगा सर संडे को तो उनका कुछ तो तुमने इसको रीनेम कर दिया देख सकते हो तुम ड्रैग नहीं कर सकते हो चलो ये नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का तुम लोग का एरर से मेरे को नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है अब देखो इधर ध्यान दो हमने ये सीखा इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग मतलब ये बी टू चेंज हो रहा है जब नीचे ड्रैग कर रहे हैं बी थ्री बी फोर ऐसे हो रहा है ना व्हाट इफ आई फिक्स इट हाउ टू फिक्स इट देयर आर टू वेज ऑफ फिक्सिंग इट ठीक है फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू इज देखना यहाँ पे इसको नहीं छेड़ेंगे इसको करेंगे इफ जो उसने एरर किया वही करते हैं चलो इसको रीनेम कर देते हैं इसको रीनेम कर दो
कंट्रोल शिफ्ट एफ थ्री, स्तुति, ठीक है। तो ये देखो रीनेम हो गया स्तुति, हो गया ना, एक सेल रीनेम हो गया स्तुति। अब फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग इफ इफ स्तुति ग्रेटर देन 60 कॉमा पास क्या फेल। अब जब इसको ड्रैग कर रहे हैं ना तो सब में पास आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, स्तुति तो चेंज ही नहीं हो रही है, स्तुति तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो क्या हो गया, व्हेन यू रीनेम अ सेल वो क्या हो जाता है, फिक्स। अब कैसे रो नंबर कॉलम नंबर चेंज करोगे, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो जब इंटरेस्ट रेट है जैसे सारे सेल्स में एक ही इंटरेस्ट रेट लगेगा तो वो फिक्स रखेंगे, बट यहाँ तो फिक्स रखना नहीं है, तो क्यों दूसरा मेथड क्या है फिक्स करने का, देखो इफ यू सिलेक्ट दिस सेल, अरे ये तो अभी सुती आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू टाइप बी टू, ठीक है बी टू ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, तो ये आ गया, ये सेल सिलेक्ट हुआ। इसको हम एब्सोल्यूट कैसे कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन एफ फोर या एफ एन एफ फोर, आपका जो भी वर्क करता हो, एफ फोर या एफ एन एफ फोर, जैसे मैंने एक बार क्लिक किया दोनों में डॉलर साइन ऐड हो गए आगे आगे, मतलब ये पूरा बी टू सिलेक्ट हो गया एज एन एब्सोल्यूट, हो गया फिक्स हो गया। अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 60 करेंगे, अब ये करेंगे तो देखना फिर से सेम आएगा सब में पास, क्योंकि ये सब में बी टू आ रहा है, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट फिक्स कर दिया है। एक बार ध्यान दो, अभी मैंने करने नहीं बोला है कुछ भी किसी को, अब एक बार ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं हटा देती हूँ टू के सामने से, खाली बी को एब्सोल्यूट रखते हैं, क्या होगा बताना जब नीचे ड्रैग करेंगे, बी टू विल चेंज टू बी थ्री बी फोर, क्योंकि टू के पहले डॉलर नहीं है, जिसके पहले डॉलर होगा वही फिक्स है। अब देखो अब इसको ड्रैग करो, अब सही है, अब सही है, क्योंकि नीचे ड्रैग करने से तो रोज चेंज होंगे ही, और मैंने रोज को एब्सोल्यूट किया ही नहीं है, मेक सेंस। और जब इसको राइट ड्रैग कर रहे हैं देखो तो भी पहले क्या आ रहा था, पहले कुछ और आ रहा था जीरो ये, पर अब क्या होगा, दिस बी सेवन विल रिमेन बी सेवन बिकॉज बी तो फिक्स्ड है, और राइट चेंज करने से क्या चेंज होता है, राइट ड्रैग करने से कॉलम, लेफ्ट ड्रैग करने से क्या होता है कॉलम, तो वो तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि वो फिक्स है, एब्सोल्यूट है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है, या इसको बोलेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग, क्योंकि बी आपका एब्सोल्यूट है और सेवन रिलेटिव है, तो मिक्स्ड रेफरेंसिंग, वाइसा वर्सा भी कर सकते हो, बी को आप लोग रिलेटिव रख सकते हो, सेवन को फिक्स, डिपेंडिंग ऑन कब क्या यूज करना है, ठीक है। करो इसको देखो चेंज, ए नहीं हो सकता वैसा, सुनो सुनो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, इधर देखो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, बटन ही नहीं मिल रहा था, ओ नहीं नहीं F4 FN F4 या फिर F4, ऐ तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हुआ, पलक के पीछे मैं पूछ रही थी, पलक का हो गया ठीक है, तुम लोग क्यों नहीं हुआ तुम्हारा, तुमको तुमने तो सीख रखा है सारा चीज, आ क्या रहा आंसर है?
एक और चश्मा पहन के देखो तब समझ में आएगा एरर क्या है. और तुमको भी नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, होता है ये सब, बेसिक मिस्टेक्स होंगे अभी कुछ टाइम तक. गॉट इट, क्लियर है अभी सबको कैसे एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंसिंग करते हैं. नेक्स्ट चीज देखो, इफ के साथ एंड. अब दो चीजें देखते हैं, मार्क्स एक और मार्क्स ले लेते हैं. ये सेम वन का मार्क्स ले लो. अरे सेम वन सेम टू, ठीक है. अब हम लोग बोलेंगे कि जो बच्चा दोनों सेम में अबव 60 लाएगा वही पास है. बोथ सेम्स नीड्स टू बी अबव 60. ठीक है, बोथ सेम्स नीड्स टू बी अबव 60. तो इसके लिए दूसरा फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे इफ के साथ ही, इफ के साथ एंड यूज करेंगे. देखो कैसे, देखना. इफ, अब लॉजिकल टेस्ट में ना आपको दो लॉजिकल टेस्ट डालने हैं. क्या, दिस आल्सो नीड्स टू बी ग्रेटर देन 60, दिस आल्सो नीड्स टू बी ग्रेटर देन 60, बोथ नीड्स टू बी ग्रेटर देन 60, बोथ नीड्स टू बी ग्रेटर देन 60. गॉट इट. तो क्या लिखेंगे, एंड के अंदर डालेंगे दिस, क्योंकि क्योंकि हो क्या रहा है, देखो क्योंकि इसमें तो आप खाली एक ही लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हो ना, दो तीन नहीं डाल सकते, कॉमा दे दे के नहीं डाल सकते. तो एंड के अंदर अब मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट डालेंगे. एंड इज अ फंक्शन जिसके अंदर यू कैन पुट इन मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेशन. ठीक है, सो व्हाट वी डू, दिस ग्रेटर देन, अच्छा ये वाला चीज होता है ना, नॉट इक्वल टू होता है. ठीक है, ये ऑपरेटर नॉट इक्वल टू होता है, कि मैंने नॉट इक्वल टू नहीं सिखाया था. ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल टू. ठीक है, कभी नॉट इक्वल टू करना हो तो ऐसे करना. तो दिस नीड्स टू बी ग्रेटर देन, अच्छा स्तुति आ रहा है बार बार, इसको कर देते हैं बी टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कॉमा दिस ऑल्सो नीड्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ये हमारा लॉजिकल टेस्ट खत्म. फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये एक फंक्शन है, उसको दूसरे फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो एंड में क्या होता है ना, एंड के अंदर आप जितना भी फंक्शंस डालते हो, अगर सारे फंक्शंस ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा. पर एंड के अंदर अगर एक भी ऑपरेशन, 10 ऑपरेशंस डाल दिए, यहाँ पे तो दो है, मान लो 10 डाल दिए, एक अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा. सारे ट्रू होने पड़ेंगे तब ट्रू आता है. गॉट इट. ठीक है, तो ये हो गया. हाँ बोलो. हेलो मैम, जो आपने ये लास्ट में बोला ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे ये समझ नहीं आया. आ जाएगा अभी, रुको. ठीक है, इसको ड्रैग करते हैं. अब देखो कहाँ कहाँ फेल आ रहे है. इसके केस में क्या है, ये तो ग्रेटर देन 60 नहीं है, बट ये ग्रेटर देन 60 है. तो हुआ क्या, एंड के अंदर ये वाला पास हुआ ट्रू, बट ये फॉल्स हो गया. तो फॉल्स ट्रू गिव्स यू फॉल्स. देखो इस पे जब मैंने पूरा सिलेक्ट किया, ऐसे कर्सर रखा, कहाँ गया भाई, अभी तो आया था, कोई बात नहीं. तो ये वाला आपका क्या है, ट्रू है. ये वाला आपका क्या है, सेम वन में फेल हुआ था, फॉल्स है. तो एक भी ऑपरेशन एंड के अंदर फॉल्स अगर हो जाता है तो आउटपुट देखो ऊपर में दिखा रहे फॉल्स, जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसका आउटपुट ऊपर में अलग से दिखाता है फॉल्स,
पहले नहीं होता था एक्सेल में, अभी न्यू फीचर है। ठीक है, फॉल्स दिखा रहे ऊपर क्यों? क्योंकि एक फॉल्स हो गया। 10 ऑपरेशन डाल दो, एक भी अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तभी हम लोग बोल रहे हैं कि बोथ सेम्स नीड्स टू बी ग्रेटर देन 60, देन ओनली द पर्सन विल क्लियर। सबको क्लियर है? आंसर आया तो ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोगों का कंडीशन थोड़ा लीनियन हो गया कि भाई चलो जो भी एक दोनों में से अगर एक भी सेम में मान लेते हैं अबव 80 आ जाते हैं, दोनों में से कोई भी एक सेम में अबव 80 आ जाता है तो पास है। ठीक है, कोई भी एक, कोई भी एक में तो एनी वन वाला कंडीशन है, मतलब जितने आप ऑपरेशन डालोगे एनी वन हैज टू बी ट्रू, इफ इट इज ट्रू पास। तो एंड वाला फंक्शन नहीं यूज कर सकते, और फंक्शन यूज करेंगे इफ और। क्या होता है देखो, इफ इसके अंदर और लिखेंगे, इफ दिस इज ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन रखो या ग्रेटर देन इक्वल टू कर दे, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। इसीलिए मैंने 60 को 80 कर दिया कि अगर एक बार भी 80 आ गया तो आपका क्लियर है। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो फिर वो पास है या फिर फेल है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब इस केस में तो दोनों में ट्रू ट्रू है। इस केस में देखो एबीसी में एक में 50 एक में 80 है, तो ट्रू मतलब इसको पास करना है, तो वो और आएगा देखना, तो वो इधर पास हो रहा है। तो और में क्या होता है, और के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेशंस डाल सकते हो। इफ एनी वन इज ट्रू आउटपुट विल बी ट्रू, इफ एनी वन ऑपरेशन इज ट्रू आउटपुट विल बी। एंड में क्या है, सारे ऑपरेशंस क्या होने पड़ेंगे ट्रू टू गेट द आउटपुट एज ट्रू। गॉट इट, अंडरस्टूड, सिंपल? ठीक है, ठीक है, got it। तो आज हम लोग क्या क्या किए, अच्छा बेसिक एडिटिंग आप लोगों को आता है, इसमें आप सेल कलर कर सकते हो,
चेंज कर सकते हो फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हो, ये सब हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सीएमएन में. उसके बाद बॉर्डर ऐड करना सिखाया था. अगेन यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ टाइम इन एग्जाम. तो एग्जाम में डेकोरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा. व्हेन आई टीच इन क्लास आई हैव अ हैबिट ऑफ यू नो बोल्ड कर दिया, बॉर्डर्स ऐड कर दिए, क्योंकि आई एम टीचिंग टू सो मेनी ऑफ यू. तो एक प्रेजेंटेशन आप लोग को समझने में ईजी रहता है, बट एग्जाम में आपको वो एकदम नहीं टाइम मिलेगा. दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये सब चीजें करो, ठीक है. अनदर थिंग इज बेसिक में सम फंक्शन प्रोडक्ट राउंड. हाँ, डेट के कुछ फंक्शंस क्विकली समझ लो, क्योंकि ये डेट हमने आज किया है. देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड टुडे, इससे आज का डे आ जाता है. देखो ठीक है, 23rd सितंबर बाय डिफॉल्ट जैसा मेरा सिस्टम का सेटिंग है वैसा आ गया, ठीक है, टुडे. अब इस डेट में से खाली आपको दिन 23rd एक्सट्रैक्ट करना है, तो फंक्शन वी यूज इज डे, डे ऑफ दिस. देखो एक बार देखना प्लीज, डे ऑफ दिस 23rd आ गया, मंथ ऑफ दिस वैल्यू मंथ आ जाएगा, ईयर ऑफ दिस वैल्यू ईयर आ जाएगा. अगेन बेसिक फंक्शन दैट वी विल बी यूजिंग मूविंग फॉरवर्ड. प्रोजेक्ट अप्रेजल वाला जब आप लोग करोगे टॉपिक, उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है. डेट के और फंक्शंस आप लोग कुछ नहीं यूज करते हो. और उसके बाद देखो बेसिक फंक्शंस और क्या यूज करते हैं, डे मंथ योर, ठीक है. और क्या यूज करते हैं, इंटीजर फंक्शन यूज करते हैं, जैसे INT. इंटीजर फंक्शन कोई भी नंबर डालो उसका इंटीजर रिटर्न कर देगा, खाली इंटीजर पार्ट. 56.88, इसका इंटीजर पार्ट इज कौन सा, 56, तो 56 आएगा. ये राउंड अप राउंड डाउन वाला चीज नहीं है, ओनली द इंटीजर पार्ट बाकी चीज को हटा देगा. इंटीजर ऑफ देखना 67 डिवाइडेड बाय 4, तो खाली इंटीजर वाला पार्ट देगा, ठीक है ना, दैट्स इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ माइनस डालोगे तो 87 दे देगा, नेगेटिव वैल्यूज हटा देगा. ABS एब्सोल्यूट, INT इंटीजर, राउंड फंक्शन हमने कर लिया था. मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे तुम लोग, अब आया, अभी छोड़ दो, नेक्स्ट करो, वो बाद में करना. इंटीजर कर लिया हमने, एब्सोल्यूट कर लिया हमने, मॉड. मॉड में क्या होता है, आपको देखो समझ सकते हो, रिटर्न्स द रिमाइंडर, मतलब कि आप लोग डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आते हैं. फॉर एग्जांपल 11 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू रिमाइंडर 1, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 1 आ गया. अब आप बोलोगे ये कब यूज होगा, ये अगेन प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या होता है. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सम पेमेंट्स आर मेड ऑन एवरी सेप्टेम्बर एवरी ईयर, ठीक है, या सम पेमेंट्स आर मेड ट्वाइस एवरी 2 ईयर्स, ठीक है. सम पेमेंट्स आर मेड ऑल्टरनेटिव मंथ्स, क्वार्टरली, फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो उसमें मॉड, एब्सोल्यूट, इंटीजर, डेट के फंक्शंस, ये सब सब यूज, जनरली इंटीजर एंड मॉड, ये दोनों फंक्शन सबसे ज्यादा यूज करते हैं उन केसेस में. ऑल राइट, क्लियर है, मॉड करके देखो. और तो बेसिक में यही फंक्शंस है, ठीक है. फिर एज वी मूव फॉरवर्ड, हम लोग कल मैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस कराऊंगी, वी लुकअप, चार्ट्स बनाना सिखाऊंगी, फ्रीक्वेंसी फंक्शन एंड ऑफसेट फंक्शन, ये सारे जो मेन मेन कुछ फंक्शंस है वो हम लोग कल सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे. वी लुकअप, ऑफसेट, ऑफसेट मैं सिखा सकती हूँ अभी आप लोग को. यहाँ तक सबका क्लियर है, तो एक क्लास फंक्शन सीखेंगे, ऑफसेट फंक्शन. क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है. ऑफसेट फंक्शन क्या होता है समझो, देखो लेट्स सपोज
से रैंडमली मैं नंबर्स डाल देती हूँ, तुम लोग को ये रैंड बिटवीन करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग रैंडमली कुछ भी 0 से 100 के बीच में फंक्शंस डाल दो, वैल्यूज डाल दो, कुछ भी रैंडमली। ठीक है, तो देखो ये सारे वैल्यूज मैंने रैंडमली डाल दिए 1 2 के बगल में ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए एवरी सेकेंड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब मुझे ये वाला चाहिए वैल्यू, ये वाला चाहिए, पहले देख लो फिर करना। ठीक है, मुझे एवरी सेकेंड वैल्यू चाहिए, तो आई विल यूज ऑफसेट फंक्शन। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर बट यू नीड एवरी सेकेंड वैल्यू, और आई कैन डू वन थिंग, आई कैन इंसर्ट वन मोर, इसको मैं दे देती हूँ नंबर सीरियल। ठीक है, तो इस यहाँ से इफ आई स्टार्ट, ऑफसेट फंक्शन में एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है, तो यहाँ से इफ आई स्टार्ट आई नीड एवरी सेकेंड नंबर, सो आई नीड एवरी सेकेंड नंबर, मतलब आई नीड सेकेंड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर सिक्स्थ नंबर, फिर एथ नंबर, फिर टेंथ नंबर। अगर ये नहीं है, मान लो ऐसे दे रखा है, या इसका भी मीनिंग यही है कि आई वॉन्ट एवरी सेकेंड नंबर, लेट्स सपोज। तो कैसे करेंगे ध्यान देना, ठीक है? ऑफसेट फंक्शन रेफरेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप लोग को दिख रहा है सबको, पीछे सबको दिख रहा है स्क्रीन, स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा मैंने। ठीक है, इसको करेंगे फिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं करना, एफ एन एफ फोर या एफ फोर कोई भी एक फिक्स कर दिया, रेफरेंस पॉइंट नहीं चेंज होगा मेरा। कितने रोज नीचे जाने हैं वो बताना पड़ेगा, मुझे 2 रो नीचे जाने हैं, फिर 4 रो नीचे जाने हैं, फिर 5 6 फिर 8 फिर 10, है ना? तो पहले तो 2 रो जाने हैं, फिर 4, अब क्या बार बार लिखें 2, फिर नेक्स्ट बार फंक्शन में 4, फिर नेक्स्ट बार फंक्शन में 6, नहीं, तो क्या करेंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट विल हैपन व्हेन यू ड्रैग इट डाउन, एफ टू विल चेंज टू एफ थ्री विच इज 2, 2 × 2 इज 4 आएगा, 3 × 2 इज 4 × 2 इज 5 × 2 इज, ठीक है, ठीक, इसलिए मैंने वो 2 4 हटा दिया, ताकि कॉलम आपको कितना राइट जाना है, कितना राइट जाना है ताकि वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो, 0 1, क्यों इधर से थोड़ी एक्सट्रैक्ट करना है, इसी से एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक भी 0 कॉलम्स राइट, हाइट विथ नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है। ये हो गया, क्लोज कर दिया, हिट एंटर, क्या है देखो 46 आया, जस्ट डबल क्लिक इट, रेफरेंस देखो चेंज नहीं हो रहा है कहीं भी, रेफरेंस नहीं चेंज हो रहा, F3 × 2 मतलब 2 × 2 इज 4, 79, 97, 488, दैट इज ऑफसेट फंक्शन। सोचो फर्स्ट क्लास में एक्सेल बेसिक का तुम लोग ऑफसेट फंक्शन सीख रहे हो, विच इज एक्चुअली स्टैंडर्ड लेवल फंक्शन, 3 लेवल्स होते हैं ना, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस, तुम लोग एडवांस फंक्शन सीख रहे हो, मैम ये ऑफसेट में लास्ट में 0 क्यों लिखा है? क्योंकि 0 कॉलम्स राइट जाने, तुम्हें इसी कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना है, वरना ये राइट चला जाएगा। ओके मैम। एक चीज और सिखाती हूँ, इंटरेस्टिंग है, अगर 0 के बदले -1 डालोगे ना तो लेफ्ट चला जाएगा, देखना, लेफ्ट, -1 डालने से लेफ्ट। सिमिलरली अगर रोज में भी यहाँ पे भी माइनस डालोगे तो ऊपर जाएगा, दिल्ली के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है क्या? तो ऑनलाइन थोड़ी दिल्ली के स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन तो बाहर के हैं। हो गया, बस दिस विल बी लास्ट फॉर टुडे, वील रैप इट अप टुमारो। मेरे को लग रहा है तुम लोग तो 2 दिन में ही सीख जाओगे सब बेसिक्स, जो चीज मैं 10 क्लासेस में पढ़ाती हूँ तुम लोगों को 2 क्लास में पढ़ा दिया मैंने। अब ये सेव कर लेना, फाइल में सेव करना सिखाऊंगी, और कल क्लास के पहले देख के आना, ठीक है? ऑफसेट जिसका नहीं है प्लीज मुझे बताओ।
ठीक है, डन बोलो। कल क्लास नहीं है, बोल रहे 1 घंटा क्लास है फिर टेस्ट है, तो 1 घंटे में मेरा बेसिक्स खत्म हो जाएगा। कल कल 6 to 7 क्लास है और 7 to 8 टेस्ट है, ठीक है? तो तुम आ जाना ध्रुव मित्तल क्लास में। हाय मैम, रिगार्डिंग पेपर भी शेड्यूल अपडेट हो जाएगा अमन कल तक। ऐसा कोई है जिसका मतलब कल बोलो, जल्दी बोलो। हाँ कौन सा कॉलेज बदल में ये तो ठीक है, 5:30 बोल रहा है। अरे कल छोड़ दो, बस बस दो दिन क्लास वाले डेली जाना है। सर तुम फोन यूज कर रहे हो क्लास में? जल्दी आ जाओ, कल से घूमने का टाइम मिलेगा। अभी 2 हफ्ता हो गया कि गएगी। ठीक है 5:30 कल, कोई किसी को प्रॉब्लम जल्दी बोलो। क्या 5:30 कल? कल 5:30 आ सकते हो हम लोग? तो 5:30 से 6:30 टेस्ट दे देना पहले, पहले क्लास। तो मेरा उसके पहले जो क्लास है, 1 सेकेंड, ऑफसेट किसका नहीं हुआ है? ऑफसेट किसका नहीं हुआ है? अरे तुम किया ही नहीं अभी तक, बात कर रहा था। किसका हो गया है? तो बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे वो क्या कर रहे हैं? मतलब हुआ नहीं, नहीं हुआ? ये प्लस वन प्लीज करना छोड़ दो मेरी क्लास में। प्लस वन प्लस वन प्लस वन बोलो, क्या हो गया तुमको? तुमने ये लिया होगा रेफरेंस में। तो उसका नीचे 10 बार नीचे जाओगे तो यही आ जाएगा ना, 0 आएगा, ये वाला वैल्यू उठाएगा। ये वाला वैल्यू लिया, 2 सेल नीचे गए 46, 4 सेल नीचे गए, यहां से 4 सेल नीचे गए, यहां से 6 सेल। अब तुम यहाँ 97 से 10 सेल नीचे जाओगे तो यहाँ 0 आएगा ना, तुम्हारा तो सारे ही आंसर्स गलत आ रहा होगा फिर। हाँ बोल। कॉपी पेस्ट एज वैल्यू, दैट इज व्हाट आई डू। हाँ मैंने मतलब NUM एरर, NUM। तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे 1 डाल दिया होगा, इंटू 2 नहीं किया तुमने, या 0 किया है? देखो जिसका आ गया छोड़ दो क्लास, बाय, सी यू टुमारो 5:30। यही सेव करना सीखो, रुको रुको 1 सेकेंड, यहाँ ध्यान दो, कंट्रोल एस, नया स्प्रेडशीट खोला था, नाम दे दो क्लास 1, यहाँ पे लोकेशन चूज कर लो, लोकेशन चूज कर लो डेस्कटॉप या जहां भी तुम लोग का मन है। पेपर बी के लिए एक फोल्डर बना लेना डी ड्राइव में, पेपर बी शिवांगी मैम बोल के, उसमें सारे जितने क्लास लाइव क्लासेस के वो डालना, अपना अलग से कहीं और डालना, लाइव क्लास उसमें जाएगा सारा, ठीक है? डेस्कटॉप में डाल दो अभी के लिए, नाम दे दो जो भी देना है, सेव पे क्लिक करो, उधर जाके सेव हो जाएगा। आई एम सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप ओनली। चलो बुक 1 के नाम पे ठीक है। रेहान थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम ज्वाइन कर लेना जितना जल्दी कर पाओ, या फिर तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, कोई इशू नहीं है, देखते हैं हम लोग। चलो थैंक यू, बाय बाय।